सोलन के समीप लगते गांव गलानग में सरकारी बस की अचानक ब्रेक फेल हो गई। जैसे ही इस बात की जानकारी चालक को लगी, उसने सूझबूझ का परिचय देते हुए बस को सड़क किनारे पत्थर पर दे मारा, जिसकी वजह से बस रुक गई। बस में सवार लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। आपको बता दें कि ये बस बेहद खस्ता हालत में है और ये अक्सर इस रूट पर खराब रहती है, जिसके बारे में गांववासी कई बार जिला प्रशासन और संबंधित विभाग को आगाह कर पा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके द्वारा कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया है। शायद वे कोई बड़ी घटना होने के इंतजार में हैं। बस में सवार खनोग निवासी ठाकुर देवेंद्र सिंह ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि खनोग मत्तिल सोलन रूट की बस के ब्रेक अचानक फेल हो गए, जिसे चालक की सूझबूझ से कुछ ही दूरी पर रोक दिया गया। उन्होंने बताया कि बस में करीबन 25 सवारियां सोलन की ओर आ रही थी, जो इस घटना से बेहद दहशत में हैं। उन्होंने बताया कि बस की हालत इतनी खटारा है कि बस सप्ताह में 2 से 3 बार तकनीकी खराबी के कारण अक्सर खराब रहती है। उन्होंने कहा कि यह तो गनीमत रही कि बस ज्यादा रफ्तार में नहीं थी, इसलिए उसे नियंत्रित किया जा सका। अगर ये बस थोड़ा और आगे चली जाती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने कहा कि बस की हालत को लेकर संबंधित विभाग और यहाँ के नेताओं को भी जानकारी दी गई है, लेकिन अभी तक खटारा बस को बदला नहीं गया है। मैं ठाकुर देवेंद्र सिंह खनोग, ये खनोग मतिउल HRTC की बस है जी, हमें उपलब्ध हुई थी और बहुत पुरानी बस है। बस की किस्म ऐसे जैसे एक कटारा हो। इस बारे में हमने कई बार BJP के नेताओं से और काफ़ी से ये निवेदन किया है कि हमें नई बस उपलब्ध कराई जाए, पर इसके चलते चलते आज गलानक से ठीक 1 किलोमीटर नीचे बसों की ब्रेकें फेल हो गई, जिसमें 25-30 सवारियाँ थी, परंतु ड्राइवर की होशियारी से उसने एक हिल से टक्कर लगा करके वो बस रोक दी, जिसमें सभी लोगों को काफ़ी झटके आए, चोट लगने से बच गए। अब हम मुख्यमंत्री महोदय से तथा प्रशासन से यही मांग करते हैं कि ये बस सप्ताह में 2 दिन खराब हो जाती है और सवारियों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए हमें नई बस उपलब्ध करवाई जाए। अगर ये कहीं नरसिंह मंदिर के पास या उतराई में हो गया था तो कई गाड़ियों का नुकसान भी होता और जान मान हानि भी होती।